हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। 67वीं बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम आज खत्म हो चुका है। लाखों अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं। अटेंडेंस की बात करें तो बहुत कम अटेंडेंस था और बीपीएससी की अपेक्षा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने भी चले गए हैं। हम बात करेंगे कि कैसा प्रश्न आया था, प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग था, प्रश्न का लेवल बहुत ही अच्छा है, जैसा बीपीएससी अपना प्रश्न पूछता है वैसा ही पूछा गया है, और कटअप भी देखिएगा अच्छा खासा इसका जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने, जिस स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा है यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं भी इस एग्ज़ाम में अपीयर क्यों हुआ हूँ, बस आपको समझिए कि एक तरफ से पीटी के लिए ही। यहाँ पर सभी जानकारी दिया हुआ है, देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रयोजित शक्ति संबंधित है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, और इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना था। क्वेश्चन दूसरा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 300 संबंधित किससे है, ये आपको क्वेश्चन लगाना था। फिर भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, जो भारत में न्यायिक प्रणाली है ये किस पर आधारित है। भारत का पहला ऐसा राज्य जहाँ पर लोकायुक्त स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर पूछा था A.S. आनंद 1990 के दशक अंत में किस पद पर कार्यरत थे, ये A.S. आनंद के बारे में पूछा हुआ है 1990 के दशक में। तो ऐसा क्वेश्चन आपको समझिए कि बहुत कम लोग ही सही कर पाते हैं, जो सुने हैं नाम आप जानते हैं उसके बारे में वहीं सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 11वीं अनुसूची से दिया हुआ था, ये जो पंचायती राज है उसमें से इसमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है, ये आपको दिया हुआ था, ठीक। फिर संविधान का अनुच्छेद 113 के बारे में दिया हुआ था कि अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है, कितने अनुदान की मांग यहाँ पर। फिर क्वेश्चन 8 दिया था कि किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 था कि भारतीय विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से चुने जाते हैं, तो किस श्रेणी से चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य, ये नहीं चुने जाते हैं, ये दिया हुआ था कि नहीं चुने जाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पर देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, विभाजन प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है भारतीय प्रशासन में, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में कथन पूछा हुआ था, क्योंकि हमेशा वित्त आयोग से संबंधित या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से ये क्या पूछा हुआ था कि विचार कीजिए, और पूछा था कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ था, और भी देख लीजिए। यह दिया था क्वेश्चन नंबर 12 कि बेयर निसेसिटी इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये आपको दिया हुआ था कि ये आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी पर बेयर निसेसिटी इंडेक्स साथ आया है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 ही बनाया गया है, और BNI 26 संकेतों का आधारित है, BNI में 6 आयाम है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको लगाना होगा। मतलब आपको ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही पढ़कर चले जाए BNI के बारे में एक बार और पूरा ऐसे क्वेश्चन UPSC जैसा क्वेश्चन आ गया, एक तरफ से UPSC जैसा ही क्वेश्चन सेट किया गया है, अलग अलग से स्टेटमेंट देकर पूछा हुआ है कौन सा क्वेश्चन सही है गलत है। फिर यहाँ पर दिया था कि बिहार मानव विकास सूचकांक 2019 में ये पूछा हुआ था कि क्या था, ये याद रखिएगा। और 2000 यहाँ पर देखिए 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा आपको पूछा हुआ था कितना करोड़ था, ये क्वेश्चन नंबर 18 था कि 15वां वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे, ये आपको सब लोग याद कर जाता है, अध्यक्ष के बारे में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 था कि हाल ही में केंद्रीय बजट को, जो केंद्रीय बजट है FDI आपको देखिएगा, ये जो LIC मतलब कि आप बोल सकते हैं कि बीमा क्षेत्र के अंतर्गत आपको, ठीक, बीमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FM बीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितना सीमा वर्तमान बढ़ाकर कर दिया गया, ये क्वेश्चन था। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए ये जो टिक लगाया है उसके अकॉर्डिंग मत चलिएगा, मैं आपको सब क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका PDF नीचे दे दे रहा हूँ टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो जो पूछा हुआ है उसे ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा हुआ था, 10 क्वेश्चन मैथ का भी पूछा हुआ था, और अलग अलग इतिहास तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था इतिहास से, लगभग मुझे लगता है कि 80% से 90% स्टूडेंट इतिहास में सभी क्वेश्चन लगभग सही लगाए होंगे, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए उनके गलती के कारण, ठीक। सभी क्वेश्चन का मैं आपको PDF नीचे टेलीग्राम में दे देता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसा एग्ज़ाम का पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग फिर 100 के करीब या 100 से ऊपर ही आपको कट ऑफ रहने वाला है, जिस तरीका से पेपर आया है, क्योंकि करंट भी पूछा हुआ था, साइंस बहुत आसान था, इतिहास बहुत आसान था, करंट भी आपको उतना हार्ड नहीं था अगर 10 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि निगेटिव नहीं है, लड़के सभी क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, हाँ जो मेंटेन नहीं कर पाते समय वो छोड़ दिए होंगे, मैथ में समय लगा होगा, मैथ बनाने में कुछ ऐसा मैथ का क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि 100 के करीब आपको 100 के अराउंड में ही आप देखिएगा कट ऑफ जाएगा, 100 से कम नहीं जाना चाहिए जिस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो ये मैं एनालिसिस कर रहा था आपको कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साइंस में दिया था कि स्वाभाविक स्वरकार रक्त समूह कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा, निमोनिया एक संक्रमण है किसका, किस इसमें क्या प्रभावित होता है,
यह क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, ऐसे ऐसे आपको साइंस के प्रश्न दिए गए थे। यदि रैपिड डेटोनेटर के दरवाजे खोल दिए जाए, आमतौर पर आप जानते हैं सभी लोग कि ये आपको गर्म हो जाता है कमरा, पसीना आपको पंखा अगर चालू कर दिया जाए पसीना में तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दरोगा पीटी में भी ये क्वेश्चन था। दरोगा से संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन आपको देखेगा कि बर्फ़ अगर पिघलेगा, अगर कोई बर्तन में पानी भरा है बर्फ डाल दीजिए पिघलेगा तो उसका जल स्तर वहीं का वहीं रहेगा। हाइड्रोजन बम कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें से मिलान करना था कि आपको कौन से गलत मिलान है, आपको अलग अलग जो साइंस का क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्वात में कोई भी चीज़ एक साथ कोई भी चीज़ गिराया जाए, निर्वात में अगर कितना भी भारी कोई भी तीनों चीज़ हो गिराया जाए तो एक साथ पहुंचेगा क्योंकि निर्वात है वहां पर कोई भी आपको विरोध काम नहीं कर रहा है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे कि यहां पर क्वेश्चन पूछे गए नाभिकीय द्रव्यमान के बारे में, ये पूछा गया था कि जो आपको सीमेंट होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो अलग अलग क्वेश्चन थे और उसका ऑप्शन भी आपको कन्फ्यूज़न वाला ही था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सब लोग हंसते हुए एग्जाम हॉल से निकले हैं। पूछा हुआ था कि कौन से इसमें गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पर अलग अलग जैसे कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, इतिहास का क्वेश्चन है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर का। ये सब प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था इसके आपको जो अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा, किस मुगल शासक के समय आपको थॉमस रो आए थे। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को प्रथम बार किसने कहा था, सावरकर। आईने अकबरी के लेखक कौन है, ये पूछा हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, अनिबेसेंट 17 में। रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया। और ऐसे ऐसे बिहार में किस जिले में अबरक का भंडार है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। सोन गंगा कहाँ पर आकर बिहार में मिलती है, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आप सही नहीं कीजिएगा। दमोदर, कोयल और सोनरेखा नदियाँ कहाँ से निकलती है, और कोयले के दहन किस राज्य में होता है, मतलब कि भूमिगत कोयले का दहन, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिहार का पहला रामसर जो कि आपको कांवर जिला, आपको बिहार का पहला रामसर पूछा हुआ था। यहाँ पर ब्रह्मयोनी आपको हिल, ये आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो गलत मार कराइएगा। अगर सुंडा ट्रेंच दो आपको हिंद महासागर में सुंडा, आपको उसके बारे में कहाँ पर किसके नज़दीक था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तीसरा मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि सुंडा देता तो आप सभी हिंद महासागर मारते, लेकिन किसके समीप था ये पूछा हुआ था, ठीक। बिहार में कृषि जलवायु के सबसे अधिक जिले कहाँ पर, कृषि जलवायु के सबसे अधिक जिले, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। गंगा मैदान एक के रूप में वर्णित किया गया है, आपको किसके रूप में, ठीक। और किसके मृत सागर से सीमा नहीं बनता है, ये पूछा हुआ था, मतलब कि डेड सी से। निम्नलिखित में कौन से मीठे पानी की झील है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें लोकटक भी था और यहाँ पर देखिएगा बुलर भी था, तो मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो कि आपको अगर डीपली थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो कंफ्यूजन कर सकता है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी का तो आप सब लोग जानते हैं अधिक था, घनत्व सबसे कम किसका हो जाता है जो पानी में भी तैरने लगता है, शनि ग्रह। तो ऐसे कर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ठीक। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा हुआ था। और आपको हिमालयन नदी और प्रदीपीय नदी के डिफरेंट याद होगा, किसके कारण डिफरेंट होता है, उनका क्या क्या होता है विशेषता हिमालय और प्रदीपीय, तो ये क्वेश्चन आप लगा देते क्वेश्चन नंबर 49, ठीक, मतलब 146, माफ कीजिए 146। ऐसे कर 150 क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने सभी आपको लगभग एनालिसिस कर दिया। और जिस तरीका से हवा बनाया गया था, बीपीएससी अपना मेंटेन रखा वो, मतलब कि हवा को, और अच्छे से बिहार स्पेशल भी पूछा गया है, करंट अफेयर भी पूछा गया है, इतिहास का इजी क्वेश्चन कर दिया गया है। अब यही है कि आपको इतिहास कितना पकड़ है, पहले से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, क्योंकि नए स्टूडेंट भी होते हैं और फाइटर भी जा चुके हैं, मतलब एनटीपीसी में बहुत से फाइटर निकल चुके हैं जिनका लूसेंट एकदम मुंह पर आता है, ठीक। तो वो भी अभी एग्जाम देने चले गए हैं। आप लोग बताइए जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसका बताइए, और इसका सोल्यूशन मैं जल्द ही आपको कराऊंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने पेपर भेजा है, मैं भी एग्जाम देकर ही निकल रहा हूं। मैं अपना आंसर बता सकता था लेकिन कन्फ्यूजन के कारण हो सकता है कि मैं भी गलत हूं या मेरा कुछ आंसर गलत हो, जिसके कारण आप प्रेशर में आ जाइएगा, इसलिए मैं अपना आंसर नहीं बता रहा हूं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा पेपर देने के बाद, अब मन में खुशी था या उदासी था। मुझे लगता है सब लोग खुश होंगे कि पेपर देखकर, अब मिलाएंगे कितना सही होगा उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। अब मुझे लगता है कि कोई भी कट ऑफ जनरल का 100 से ऊपर ही जाएगा जिस तरीका से ये पेपर है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।